चुनाव में आम जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि का एक अलग ही महत्व होता है। इसी क्रम में बिहार में पहली बार महापौर एवं उपमहापौर का चुनाव आम जनता के द्वारा होगा। पूर्व में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। महापौर और उपमहापौर का चुनाव नगर निगम के चुनाव में जीते वार्ड पार्षदों के द्वारा चुना जाता था, लेकिन इस बार जो नियम बना है, इस वर्ष जनता ही अब महापौर एवं उपमहापौर का चुनाव करेगी। प्रदेश के 19 नगर निकायों के महापौर और उपमहापौर पद के लिए आरक्षण तय कर दिया गया है। आयोग ने 7 नगर निगम में महापौर पद के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया है। आरा, गया, छपरा, दरभंगा, पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर शामिल है। मैं बात कर रहा हूँ दरभंगा नगर निगम की। महापौर जो होते थे वो पुरुष महापौर बनते थे, लेकिन पिछले चुनाव में महिला के लिए यह सीट आरक्षित हो गया। इसी क्रम में दरभंगा में प्रथम महिला महापौर बैजंती देवी खेड़िया बनी थी, उसके बाद मुन्नी देवी महापौर बनी थी। आम जनता के द्वारा महापौर और उपमहापौर का चुनाव होने से कहीं न कहीं व्यवस्था में जरूर बदलाव होगा। दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा की एक रिपोर्ट।